हाय फ्रेंड्स, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़। दोस्तों एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, टेंशन बहुत बढ़ती जा रही है, क्या करें, सिलेबस तो पूरा ही नहीं हुआ। बट डोंट वेयर, समीर इज हेयर बिकॉज मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको करना है। मेरी सारी वीडियो लास्ट तक देखिए और हो सके जितना हो सके कमेंट्स कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग माई YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़। लेट्स गो विद मी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ में। दोस्तों मैं आपका दोस्त समीर आज आपके लाया हूँ एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। जनरली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में उनको समझ में नहीं आता करे तो क्या करे। लेकिन दोस्तों मेरे होते हुए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, 6 मार्क्स का आपका ये आएगा, तो चलिए देखते हैं। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में माना जाता है और ये जनरली आपका फ्लेमिंगो या विस्टास बुक्स में से आता है, मैक्सिमम 6 मार्क्स का होता है। तो देखते हैं क्या है इसके स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक फॉर्मेट बनाया है जिसको आपको फॉलो करना है। दैट्स अ फंटास्टिक वर्ड्स है, यहाँ पे देखेंगे द आर्टिकल पैराग्राफ। आर्टिकल या पैराग्राफ में से कोई भी जो भी इसमें लिखा हुआ वो लिख सकते हैं, लेकिन लिखना एक ही है। इज कम्प्लीटली बेस्ड, ये पूरी तरह से आधारित है इस स्टोरी पे, क्योंकि स्टोरी और एक आर्टिकल को साथ में लेके चलेंगे हम लोग। जो टॉपिक है जहां पे टॉपिक का नाम लिख देंगे उसमें जो दे रखा होगा इस बिग इश्यू, बहुत बड़ा मुद्दा है फॉर सोसाइटी, समाज के लिए बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है ये। इट इज नीडलेस टू से, ये कहने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है कि इट हैज बिकम, ये बन चुका है एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमन लाइफ, इंसान की जिंदगी का बहुत अहम पार्ट बन चुका है ये। As we have read, जैसा कि हमने पढ़ा है in this lesson, इस lesson में it is 21st century, ये किसवीं शताब्दी है, it is modern era, ये आधुनिक युग है, and people are responsible towards it, और लोग जो है जिम्मेदार है इसके लिए, they do unwell, और वे बहुत बुरा करते हैं। As we come to know, जैसा कि हमें पता चलता है from this story, इस स्टोरी से पता चलता है कि जानकारी मिलती है। This story is very interesting. ये जो स्टोरी है बहुत ज्यादा दिलचस्प है फॉर रीडर्स, पढ़ने वालों के लिए। टॉपिक का नाम अगेन आएगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, और ये समाज के लिए बहुत जरूरी है। इट हैज बिकम नेसेसरी फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। एस वाले जहां तक स्टोरी इज कंसर्न, स्टोरी का संबंध है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर, क्योंकि हमारा फोकस ज्यादातर पूरी स्टोरी पे है, जो आर्टिकल लिखा जाएगा स्टोरी पे लिखा जाएगा, तो जहां तक स्टोरी का सवाल है, जो मेन कैरेक्टर का नाम आ जाएगा स्टोरी में, आप जानते ही होंगे जो मेन कैरेक्टर है उसमें। इस चीफ फिगर, मुख्य कलाकार है द राइटर, जो लिखने वाला है, इज ट्राइंग टू कन्विंस, कोशिश करी है उसने समझाने की अस हमें बाय दिस स्टोरी, इस स्टोरी के द्वारा उसने हमें समझाने की पूरी कोशिश करी है। टॉपिक इज अनअवॉइडेबल, ये जो टॉपिक है इसको अनअवॉइडेबल माना जा रहा है कि इसको कोई टाल ही नहीं पा रहा है, इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है कि अनअवॉइडेबल बन चुका है ये। देयर आर सो मेनी सीन, बहुत सारे ऐसे सीन हैं इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में वेयर द रियलिटी कम, जहां पर सच्चाई है। जाहिर सी बात है टॉपिक जो होगा वो रियलिटी पर ही आधारित होगा कि ऐसे ऐसे इश्यू सोसाइटी में चल रहे हैं। मेन कैरेक्टर का नाम आ जाएगा ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है इज वेरी कलरफुल, बहुत ज्यादा अच्छा है, एन इंटरेस्टिंग करेक्टर, दिलचस्प करेक्टर है। और यहाँ पे दोस्तों ये स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में हमें थोड़ा लिखना होगा यहाँ पर कि उस कहानी में कैसे कैसे हुआ, क्योंकि सारा फोकस हमारा कहानी पर ही है। टाइटल ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी का टाइटल यानी कि जो नाम है, इस एप पूरी तरह से उचित है, ठीक है। टॉपिक आल्सो बिलोंग फ्रॉम ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो टॉपिक है इंसान की रियल लाइफ से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सामाजिक है तो रियल लाइफ से तो करनी ही है। एंड दिस टॉपिक, जो टॉपिक है wants to teach us, ये चाहता है बताना है, सिखाना हमें good lesson, हमें अच्छा lesson, हमें अच्छा सबक सिखाना चाहता है ये। We must not ignore it, और हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। Then आपका these article या paragraph, जो भी है ये article या paragraph है, may put good impact on human life, ये इंसान की जिंदगी पर अच्छा असर डाल सकता है। तो दोस्तों ये है value based question, आपको कुछ change नहीं करना है, जहां आपको red color के topic दिखाई दे रहे हैं यही चीज change करना है और आपका काफी अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकेंगे। तो ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, जनरली बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनके समझ नहीं आता करें क्या करें, और कई बार ये आ जाता है एग्जाम में। तो तैयार रहिए और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, स्टूडेंट्स में या बाकी सीनियर में आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जनरली क्वेश्चन ये बच्चे छोड़ देते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के नाम से, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।